जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान हत्याकांड का मामला है। अधिवक्ता की हत्या को लेकर अधिवक्ता वर्ग में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार अधिवक्ता की हत्या को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं अधिवक्ता की किया जा रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ने घोषणा की, मृतक अधिवक्ता को उचित आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए संवाददाता विवेक मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जुगराज चौहान हत्याकांड का मामला है जहां पर अधिवक्ता को की हत्या को लेकर लगातार अधिवक्ता वर्ग विरोध कर रहा है, लगातार अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जहां पे न्यायिक कार्य को भी आज स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की नरसंहार हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर एक बार फिर अधिवक्ता वर्ग में आक्रोश फैल गया है। जोधपुर में पहले अधिवक्ताओं ने संयुक्त बैठक कर कार्य बहिष्कार किया है, तो वही राजधानी जयपुर में भी अधिवक्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के बैनर तले बैठक कर आज कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि लगातार प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, साथ ही कई अधिवक्ताओं की हत्या भी की गई है। ऐसे में लंबे समय से प्रदेश के अधिवक्ता वर्ग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहा है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस की सरकार चार साल से ज्यादा का कार्यकाल बीतने के बाद भी अब तक अधिवक्ताओं की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले को लेकर बार काउंसिल से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर आज अधिवक्ता वर्ग जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन करेगा। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से 400 जमात किए गए हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में इससे पहले अधिवक्ताओं आक्रोश के दौरान पुलिस को समस्या झेलनी पड़ी है। साथ ही अधिवक्ता मुख्य मार्ग पर निकल कर रास्ते भी जाम कर चुके हैं, तो ऐसे में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जिला कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है, जिससे लोगों की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी विवेक, वही जाना चाहेंगे कि न्यायिक कार्य यहाँ पर स्थगित किया गया, क्या कुछ प्रमुख मांगे उनकी निकलकर सामने आ रही है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, और पुलिस प्रशासन की जांच की बात करें तो कहाँ तक वो जांच पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, जोधपुर में अधिवक्ता की ये दर्शन हत्या की गई है, उस पर चाप और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। इस घटना को लेकर अधिवक्ता वर्ग आक्रोशित है। इसी हत्याकांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने आज कार्य स्थगित करने का निर्णय जयपुर में लिया है। अधिवक्ता वर्ग न्यायिक कार्य स्थगित करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के बैनर तले ये घोषणा की गई है। वहीं अधिवक्ताओं की ओर से ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से अधिवक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है और हत्याएं भी अधिवक्ताओं की हो रही है, ऐसे में लंबे समय से अटका एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो प्रदेश में लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ता वर्ग को सुरक्षा मिल सके। साथ ही जोधपुर में जो हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की भी मांग इस आंदोलन के लेकर की जा रही है। इन दोनों मसलों को लेकर अधिवक्ता वर्ग मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो माना जा रहा है कि अधिवक्ताओं का इस न्यायिक कार्य अगर जल्द इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अधिवक्ताओं का आंदोलन जल्द पूरे प्रदेश में फैल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विवेक।